हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेडियंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है क्लास रेडियंट पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास सिक्स का चैप्टर थर्ड है हिंदी में सर्वनाम। आज सब लोग सर्वनाम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले हम समझ लें सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा की जगह पर आए, संज्ञा को हटाकर जो दूसरे शब्द रखे जाते हैं उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम एक संज्ञा शब्द है, और राम की जगह पर अगर हम कह दें वह पुस्तक पढ़ता है, वह खाना खाएगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, तुम घर गए थे, इस तरह से मैं, तुम, वह, आप, मेरा, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है खंड का और ख। आशीष छठी कक्षा में पढ़ता है, अशेष छठी कक्षा में पढ़ता है, तो अशेष की जगह पे दूसरे खंड में दिया है यह छठी कक्षा में पढ़ता है। यह शब्द यहाँ पे अशेष की जगह पे आया है, यह शब्द सर्वनाम है और अशेष शब्द संज्ञा है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है अशेष के पिता नौकरी करते हैं, तो दूसरे खंड में है इसके पिता जी नौकरी करते हैं, तो यहाँ पे अशेष की जगह पे इसके आया, तो ऐसे ही शब्द को सर्वनाम शब्द कहते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, अपने मूल रूप में 11 सर्वनाम होते हैं, फिर इन्हीं मूल रूपों से कारक चिन्ह लगाकर इनके यौगिक रूप बनाए जाते हैं। जैसे मैं मूल रूप में सर्वनाम शब्द है, और मैं की जगह के साथ में ने कर्ता कारक जोड़ दिया, ने, मैंने, तो फिर हो गया मैंने। मैं मूल रूप में कारक है, वो सर्वनाम शब्द है, लेकिन अगर यहाँ पे को कर्म कारक जोड़ दिया जाता है को, तो मुझ को हो जाता है। आप मूल सर्वनाम शब्द है, आप उसमें संबंध कारक जोड़ दिया का, तो आपका हो गया, तो आपका सर्वनाम शब्द है। इसलिए ये औयोगिक रूप में सर्वनाम शब्द होते हैं। मूल सर्वनाम होते हैं 11, मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, इतने शब्द सर्वनाम शब्द मूल होते हैं। सर्वनाम के भेद, अब हम सर्वनाम के भेद जानें, सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों के लिए होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, यह, वह, ये शब्द हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं या वह मन लगाकर पढ़ता है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग है, लेकिन वह मन लगाकर पढ़ती है, स्त्रीलिंग है, तो यह और ये, यह, वह, इस तरह के शब्द स्त्रीलिंग में के लिए भी आते हैं, पुल्लिंग के लिए भी आते हैं, तो ऐसे सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निश्चयवाचक दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो पास या दूर की किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराएं, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि ये है, ऐसी चीज़ है बिल्कुल, तो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। यह गाय है, तो गाय के बारे में निश्चित है, यह कहा गया, यह गाय है, निश्चित है बिल्कुल, तो ऐसे शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। पास के लिए यह गाय है, दूर के लिए तो ये गायें हैं, पास वह बैल है, दूर के लिए वे बैल हैं, तो ऐसे यह, वह, ये, वे, ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ऐसे जिनके बारे में कोई निश्चित बात नहीं कहते, निश्चित प्राणी है, निश्चित पदार्थ है, निश्चित वस्तु है, कोई निश्चित नहीं है, कोई या कुछ
ऐसे शब्द, सर्वनाम शब्द कोई या कुछ, ऐसे दो शब्द होते हैं सर्वनाम जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, कोई निश्चित नहीं कौन है, नहीं निश्चित है कोई, उसके दिल में कुछ नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है, कुछ निश्चित वर्ण नहीं है, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे निश्चित पदार्थ या निश्चित प्राणी का बोध ना हो उसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे वाक्यों में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है निजवाचक, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके पहले संज्ञा या सर्वनाम आया हो उससे उसका संबंध हो तो ऐसे ही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है मैं आप चला जाऊँगा, तो मैं सर्वनाम शब्द है, उसके बाद आप आया, मैं के बाद आप आया, तो मैं से आपका संबंध है, ऐसे शब्दों को, सर्वनाम शब्द को निजवाचक कहते हैं। यहाँ पे आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। भाई साहब आप मुझसे मिल चुके हैं, यहाँ भी आपका मुझसे, आप सर्वनाम शब्द आया है उसके बाद मुझसे आया है, तो ये मुझसे शब्द जो है ये निजवाचक सर्वनाम है, उसका संबंध उससे है। इसी तरह संज्ञा या सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ में प्रयोग हो और उसका उससे संबंध हो, और ये स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने के लिए, स्वयं के लिए, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम से संबंध रखता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रवीण के पास एक किताब है जो उसे इनाम में मिली थी, तो प्रवीण के पास एक किताब, किताब के साथ में जो का संबंध है, किताब, किताब का संबंध जो में है, तो ऐसे शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दर्शाता हो, किताब तो जो, जो शब्द जो सर्वनाम आया है इसका किताब से संबंध है, संज्ञा से संबंध है इसका, तो इसी तरह ऐसे ही शब्द जो या सो, ऐसे शब्द वे को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जो बड़े हैं वे कुछ भी कर सकते हैं, जो, जो का संबंध वे से है, कैसे ऐसे सर्वनाम शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सो, जो वे, कोई और कुछ भी सर्वनाम शब्द संबंधवाचक में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया जो कोई आता है गुरुजी को प्रणाम करता है, तो जो कोई, यहाँ पे ये संबंध, तुम जो कुछ चाहते हो ले लो, जो कुछ, तो जब दो सर्वनाम शब्द आए, सर्वनाम या संज्ञा शब्द में संबंध होता है वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के प्रयोग द्वारा प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है द्वा, इसके अंतर्गत दो प्रकार के संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं, कोई और नहीं, कौन और क्या, दरवाजे पर कौन खड़ा है, क्वेश्चन किया गया है, प्रश्न किया गया है, कौन, ये कौन जो सर्वनाम शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। उसके हाथ में क्या है, क्या, क्या यहाँ पे है, तो ये क्या सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या है, तो कौन और क्या ये दो शब्द सर्वनाम के प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है जैसे क्या लाए हो, या क्या गिरा, या कौन आया है, कौन रो रहा है, तो क्या और कौन, क्या और कौन दो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में आते हैं। तो हमने इस चैप्टर में सर्वनाम शब्द के बारे में जाना। सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे सर्वनाम शब्द के भेद दिए हैं, और इनके जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, इन सर्वनाम शब्दों, सर्वनाम में कौन से शब्द सर्वनाम के रूप में आते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द में मैं, तू, यह, वह, आप और तुम, इस तरह ये सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह, ये और वे सर्वनाम शब्द आते हैं। अनिश्चयवाचक में है कोई, कुछ और कोई ना कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द आते हैं। निजवाचक सर्वनाम शब्द में आप, मुझसे, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। संबंधवाचक में जो, सो, वे, कोई, कुछ, ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के रूप में आते हैं।
प्रश्नवाचक शब्द दो, कौन और क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द के रूप में आते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना। आशा है आप सर्वनाम शब्द समझ गए होंगे। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान प्रयोग कहते हैं, और संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जो स्थान प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक शब्द। ऐसे ही सर्वनाम शब्द के भेद हैं। थैंक यू।